गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज डे थ्री है, आज डे बहुत पहले डे थ्री था, आज है डे थ्री, आज संडे है, ठीक है। आज मेरे डायबिटीज रिवर्सल जर्नी का डे थ्री है। डे वन डे टू आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना? और मैंने देखा था, हाँ? आज मैंने सुना आज नानू नानी आने वाले। अच्छा, तो आज इसके नानू नानी आने वाले हैं और बहुत एक्साइटेड है। आप देखो सुबह उठ के तैयार हो गए, ये क्लास के लिए उठता नहीं है लेकिन नानू नानी आ रहे हैं तो सुबह उठ के एकदम तैयार हो गया, फ्रेश हो गया। मैं अभी तक फ्रेश नहीं हुआ, मैं अभी जस्ट उठा हूँ। अभी तो नहाया नहीं पापा ने। हाँ, अभी मैं उठा हूँ तो इसलिए नहीं नहाया हूँ क्योंकि 9:30 बज रहे हैं। तो नहा लिया था। हाँ बस, तो 9:30 बज रहे हैं अभी क्योंकि वीडियो एडिट करते करते तकरीबन 3 बज गया था। मुझे लगा नहीं था कि इतना टाइम लगेगा लेकिन गाइस बहुत टाइम लगता है, सच बता रहा हूँ। डेली ब्लॉग्स लाना इतना आसान नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग के लिए कोशिश करूँगा। कभी कभी ब्लॉग्स, हाँ कभी ब्लॉग्स कभी वीडियोस, इतना आसान नहीं है तो काफ़ी समय लग गया जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो कम से कम 5-6 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है, तो मैं 9:15 बजे उठा हूँ, अभी 9:30 बज रहे हैं, है ना? हाँ। और कौन आ रहे हैं आज? आज तो नानू नानी आ रहे हैं। तो आज नानू नानी आ रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है। वैसे तो क्लास के लिए उठता नहीं है लेकिन आज उठ के तैयार हो गया, फ्रेश हो गया है। से समथिंग। आज नानू नानी मुझे प्यार करने के लिए आ रहे हैं। अरे वाह, बहुत दिन बाद नानू नानी आ रहे हैं क्योंकि इतने दिन लॉकडाउन था, आया नहीं है। तकरीबन 3 महीना हो गया, मेरे ख्याल से 3 महीने बाद अपने नानू नानी से मिलेगा, है ना? एक्साइटेड? हाँ, मुझे लगा मैं उनके घर में जाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ और दिखाता हूँ कि आज नाश्ते में क्या करते हैं। सुबह उठ के चाय पीने की आदत अभी तक नहीं गई है, उस समय भी नहीं गई थी तो इसलिए मैं चाय पीता था। हाँ, लेकिन चाय के साथ जो बिस्किट खाता था, मुड़ी खाता था, नमकीन खाता था, भुजिया खाता था, भुजिया भी खाता था। हाँ, अब नहीं खाता हूँ। अब मैंने देखो क्या चेंज कर लिया है, ये देखो, ये मैंने बादाम लिया है, ये काफ़ी सारे बादाम है, ठीक है? मेरे हाथ में। अच्छा चलो चलो तुम खा लो, काफ़ी सारे बादाम है, ये मैंने मेजर करके लिया है, 25 ग्राम है। तो आप देख सकते 25 ग्राम में कितना, मैं अच्छा 25 ग्राम में देखो कितना बादाम है। लोग 4-5 बादाम खाते हैं, 6 बादाम खाते हैं, 6 बादाम से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपको कम से कम आधा मुट्ठी या 25 ग्राम बादाम लेना पड़ेगा तभी जाके कुछ फ़ायदा मिलेगा। बादाम खाने से डरिए मत, अभी बहुत गर्मी है। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या गर्मी में बादाम खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। अभी गर्मी चल रहा है, जुलाई का मौसम चल रहा है, बहुत गर्मी है, बिल्कुल खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बहुत बढ़िया पापा, तुम क्या पी रहे हो बताओ? ये मिल्क। मिल्क क्या होता है? मिल्क चाहिए हेल्दी ड्रिंक। हाँ क्यों? चाहिए लॉट्स ऑफ प्रोटीन एक्स। प्रोटीन एक्स और चाहिए आल्सो टाइनी बिट ऑफ नेचुरल शुगर। अच्छा, और किसको खाना चाहिए? छोटू को नहीं, और अभी बोला था ना, क्या बोला था? डायबिटीज मरी आपको हर रोज से खाना चाहिए। क्यों? ये अच्छा है, ये दिस इज हेल्दी। हेल्दी है? तो गाइस मिल्क बहुत हेल्दी है, बच्चे के लिए हेल्दी है, डायबिटीज मरीज के लिए हेल्दी है। बच्चों के लिए हेल्दी नहीं होता मिल्क। क्यों? उनके पेट में दर्द होता है। हाँ बिल्कुल सही बोला है, पेट में दर्द होता है। जो बड़े हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनको दूध अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो आप बिल्कुल दूध ले पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, बोल दिया, आप सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, इतनी बार बोला है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना, क्योंकि इस चैनल में एक सीरीज़ चला रहा हूँ जो कि डायबिटीज़ रिवर्सल जर्नी पे है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि कोई भी एपिसोड आप मिस करेंगे तो अच्छा इन्फॉर्मेशन मिस करेंगे। एक सवाल और आता है बार बार, जो लोग कहते हैं कि बादाम को भिगो के खाए या फिर ऐसे ही खा ले, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप भिगो के भी खाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भिगो के खाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्ज़ी खाना है। मुझे बिना भिगोए खाने में अच्छा लगता है, फिर भी आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जो स्किन होता है इसमें फाइटेट्स होता है, इसलिए उसकी वजह से आपकी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होता है, हो सकता है, मैंने देखा नहीं है, पढ़ा ही है। आपको अच्छा लगता है ऐसे खाना खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है न्यूट्रिशन कम एब्जॉर्ब हो लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है?
मिलता हूँ बहुत जल्दी और दिखाता हूँ कि नाश्ते में क्या करता हूँ। अभी डे 3 में कितना वजन है देख लेते हैं। तो डे 3 में मेरा वज़न है 78.2। मैंने डे 1 से स्टार्ट किया था 78 पे, उसके बाद डे 2 पे मेरा वज़न थोड़ा सा बढ़ गया था 78.8, और आज तीसरा दिन जो है 78.2 है। तो डायबिटीज़ रिवर्सल के जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है मैं मानता हूँ वो है प्रोटीन। प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है और सब्ज़ी भी लेना बहुत ज़रूरी है, फाइबर। ये रीमा रानी है, ये हमारी हेल्पर है, हेल्प करती है हमें सब्ज़ी वगैरह काटने में, और प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने कुछ सामान मंगाया है, आपको वो दिखा देता हूँ क्या सामान मंगाया है। तो आप देखो, मैंने लिशियस से कुछ सामान मंगाया है, लिशियस फ्रेश मीट्स एंड सी फूड डिलीवर्ड राइट। तो लिशियस से बहुत अच्छा सामान रहता है, सी फूड वगैरह अगर आपको चाहिए। तो देखो मैंने चिकन इसमें कितने अच्छे से पैकिंग करके देते हैं, ये चिकन है, इसमें मैंने चिकन मंगाया है, फ़िश मंगाया है, अंदर दिखाऊंगा आपको, चिकन फ़िश और प्रॉन्स भी है। तीन आइटम मैंने आज मंगाया है, चिकन फ़िश और प्रॉन। तो आज का लंच और डिनर दोनों यही रहेगा, जब पक जाएगा तब आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं हो गया हूँ तैयार क्लिनिक जाने के लिए। आज संडे है लेकिन फिर भी मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, एक पेशेंट का अपॉइंटमेंट है। तो बस अभी नाश्ता करेंगे और निकल जाएंगे। मेरा बेटा थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है, नानू नानी आ रहे हैं तो अभी थोड़ा सा टीवी देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है उनका। मैं अभी क्लिनिक निकलूँगा, एक पेशेंट का अपॉइंटमेंट है, 4-5 कॉल है, वही सारे चीज़ निपटा के फिर घर आके आज का दिन सिर्फ और सिर्फ बेटे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। इसके नानू नानी आ रहे हैं, उनके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। एक ही दिन मिलता है हफ्ते में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने का, लेकिन संडे हो या मंडे हम हर रोज़ काम करते हैं, यही लाइफ है एक डॉक्टर का। बहुत ही बिजी लाइफ रहता है पर मज़ा भी आता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को हम हेल्प करते हैं उनकी डायबिटीज़ रिवर्स करने में। और जब वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा भी डायबिटीज़ रिवर्स हो गया, जब वो सुनते हैं तो दिल खुश हो जाता है। तो दोस्तों मेरा नाश्ता हो गया है तैयार, खोल के देखते हैं क्या है। टड़ा, तो देखिए ये फिर से वही 4 अंडे का ऑमलेट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, और ये चिंग्स का शेजवान चटनी बहुत अच्छा लगता है मुझे। किसी ने पूछा है कि शेजवान चटनी क्या डायबिटीज़ रिवर्सल में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हालांकि ये हेल्दी नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लेंगे, जितना मैंने लिया आधा चम्मच, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी को अगर आप 4-5 चम्मच ले लेंगे तो बहुत अनहेल्दी हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा नहीं लेना है, एक ही चम्मच में लेता हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है ऑमलेट का। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या अंडे का योग खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। अंडे के योग में कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन योग से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता है। मैं आपको एक टास्क देता हूं, आप लोग पता करो कि जो लोग अंडा नहीं खाते हैं या फिर नॉन वेज नहीं खाते हैं, सिर्फ वेजिटेरियन खाते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि नहीं है, ये पता करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तभी आप सबको पता चलेगा कि अंडे खाने से आपकी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ती है। अगर आप अंडे नहीं भी खाते हैं तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। जो वेजिटेरियन होते हैं उनके भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। तो प्लीज़ संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, और अंडे का योग भी खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें विटामिन एंड मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलता है, और ख़ास करके विटामिन डी भी मिलता है, ठीक है। विटामिन डी भी एक योग में मिलता है, उसमें और भी काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, जो आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए अच्छा, आपके स्किन के लिए अच्छा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका स्किन ग्लो करे मेरी तरह, तो रोज़ खाओ अंडे, ठीक है। ये मेरा नाश्ता है, मैं रोज़ यही नाश्ता करता हूँ, और नाश्ता करके मैं अभी क्लिनिक के लिए निकलूँगा। तो गाइस मैं निकल रहा हूँ क्लिनिक के लिए, ठीक है, अभी आता हूँ, जल्दी आके आप लोग से फिर से मिलता हूँ क्लिनिक से आके, बाय बाय। और ये देखो नानू आ गए, नानू आ गए, नानू आ गए, खुश नानू आ गए जी, नानू आ गए। भाई मैं बस अभी क्लिनिक के लिए निकल ही रहा था, तब तक नानू आ गए। अच्छा देखो जल्दी आ गए ना, जल्दी आ गए, अभी तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आएंगे, अभी तुम्हारे हाथ में सामान था ना, चॉकलेट लाएंगे अभी तुम्हारे लिए। मेरे पास पहले से एक चॉकलेट है फ्रिज में। अच्छा एक है। हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदुस्तान गेमिंग।
तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर, क्लिनिक से आ गया हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना बहुत है, और बेटे को देखो, नानू को देख के एकदम ऐसा लग रहा है फेविकॉल जैसे चिपक गया है, नानू के साथ ही खेल रहे हैं एकदम। देखो तब से ऐसे ही छोड़ के गया था, अभी तक वैसे ही बैठा हुआ है। मैं तकरीबन 3 घंटे बाद आया हूँ, 2 बज रहे अभी तकरीबन। ये देखो क्या हो रहा है, डायनासोर। तो गाइस आज संडे है, आज 4 जुलाई है, 4 जुलाई है ना, आज 4 जुलाई संडे day 3। तो आज हम लोग थोड़ा सा पार्टी करेंगे। हाँ, तो ऐसा है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टी नहीं कर सकते, डायबिटीज़ है तो भी पार्टी कर सकते हैं, लेकिन अलग तरीके से पार्टी करेंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लोग पार्टी करते हैं, डायबिटीज़ के बाद भी आप पार्टी कर सकते हो, क्या हम खाते हैं क्या नहीं खाते। अभी थोड़ा देर में लंच करेंगे और पार्टी करेंगे। हाँ जी, बस आपको थोड़ा देर में देखने को मिलेगा कि हम पार्टी में क्या खाते हैं। तो नानू को देख के एकदम मस्ती करने लगा है। ये क्या बनाया है देखो, डॉगी। ये डॉगी है, पर ये क्या था पहले, एक कुछ और खिलौने को कुछ और बना दिया। ये देखो यहाँ से टेप लगाया इसने और कुछ और बना दिया, ये अलग टाइप का ही कुछ एलियन टाइप कुछ टॉय बना दिया। अच्छा 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 ठीक है, क्या क्या बनाया? एलियन नहीं। अच्छा एलियन नहीं है, हाँ क्या है ये? डॉगी है। अच्छा ये डॉगी है, एलियन नहीं है। ठीक है, देखो कितना सुंदर बनाया है ना, सुंदर बनाया ना। हाँ तो बस आज मस्ती करेंगे ऐसे ही। कब जाओगे? मंडे ट्यूसडे या थर्सडे। अच्छा, डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए सब्जी खाना बहुत ज़रूरी है। आप देखो काफ़ी सब्जी है, हर दिन मैं आप लोग को अलग अलग सब्जी दिखाऊँगा। ये घिया है, घिया का सब्जी बहुत सही रहता है, इसमें कार्ब बहुत कम है, इसमें ज़्यादातर आपको पानी मिलेगा, इससे आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। और ये तोरी है, ये भी आप खा सकते हैं, इसकी सूखा सूखा सब्जी बनाइए, एक रोटी के साथ इसको खाइए, बहुत मज़ा आएगा। ये सब खाएंगे तो आपको अच्छा खासा फाइबर मिलेगा, विटामिन्स मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, और आपको कमज़ोरी भी नहीं होगा। ज़्यादातर लोग जो है वो सब्ज़ी ही नहीं खाते, लेकिन सब्ज़ी खाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सब्ज़ी नहीं खाएंगे सही मात्रा में, आप डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते। तो गाइज आज संडे है, मैंने जैसे कि बताया आज पार्टी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर डायबिटीज़ हो गया तो आप खाना वाना नहीं खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हो। अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या बना हुआ है। ये देखो, ये है फिश करी, ये रहू फिश है, और यहाँ देखो आप, ये है प्रॉन्स, इसको हमने बनाया बंगाली स्टाइल में एकदम। और इसके साथ यहाँ पे आप चिकन भी है, ये है चिकन, और ये सारे चीज़ हम खाएंगे चावल के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको अगर डायबिटीज़ है तो आप चावल नहीं खा सकते, बिल्कुल चावल खा सकते हो। अगर आप एक क्वांटिफाइड वे में खाओगे, जैसे कि मैं 100 ग्राम के आसपास चावल खाऊंगा तो बिल्कुल चावल खा सकते हो, और चावल के साथ मच्छी और ये सब खाने में बहुत मज़ा आता है। तो जिनको भी डायबिटीज़ होता है उनको लगता है कि वो कुछ नहीं खा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चावल भी खा सकते हो, फिश भी खा सकते हो, चिकन भी खा सकते हो, सब कुछ खा सकते हो। तो ये देख लो, तो अभी हम पार्टी करेंगे। तो मेरा हो गया है लंच ख़त्म, आपने देखा लंच में मैंने क्या किया। आज थोड़ा सा चावल खाया, 100-150 ग्राम के आसपास चावल खाया। तो 150 ग्राम चावल में मुझे तकरीबन 40-45 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिला होगा। उसके बाद मैंने चिकन खाया, फिर फिश खाया, प्रॉन्स खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम होता है, तो 50 ग्राम के आसपास मेरे इस मील में कार्बोहाइड्रेट रहा होगा। उतना ठीक है, चलेगा, कभी कभी बनता है, संडे के दिन है। अभी मैं काफ़ी ज़्यादा खा लिया हूँ और बहुत नींद आ रहा है अभी, तो मैं 2-3 घंटा अभी सोऊंगा। संडे का दिन है, 2-3 घंटा आराम करूंगा, क्योंकि बाकी दिन मुझे सोने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आज थोड़ा सा रिलैक्स करूंगा, फिर 4-5 बजे उठूंगा, फिर दिखाऊंगा कि और क्या मैं खाता हूं। आज का लंच काफ़ी हैवी था, क्योंकि चिकन भी खाया, फिश भी खाया, प्रॉन्स भी खाया, और मैंने तकरीबन 100 ग्राम के आसपास चावल भी खा लिया था, 100-120 ग्राम के आसपास चावल खाया था। हालाँकि मैंने मेजर तो नहीं किया था, मुट्ठी भर आप समझ लो, इतना मुट्ठी भर खाया तो 100-120 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा। और चावल खाने के बाद पता नहीं मुझे
क्यों नींद आता है, और ख़ास करके संडे के दिन जब आपको कुछ खास काम नहीं होता है तो बहुत नींद आता है। ख़ास करके मैंने ये देखा है कि अगर आपने चावल खा लिया और कोई काम नहीं कर रहा तो नींद बहुत आता है। तो मैंने भी 2 घंटा सो लिया है, अभी 2 घंटे सो के अभी उठा हूँ, तो अभी चाय पीऊँगा, थोड़ा सा फ्रेशनेस आएगा और उसके बाद 1-2 घंटे में फिर डिनर करूँगा। तो दोस्तों आज संडे है, आज मैं थोड़ा खाना लेट से खाऊँगा और अभी 7:30 बज रहे हैं, तो 7:30 बजे टी टाइम होता है। देखिए मैं चाय पी रहा हूँ अभी, लेकिन इसमें मैंने स्टीविया डाला है, चीनी तो मैंने बिल्कुल भी छोड़ दिया है, लेकिन चाय नहीं छोड़ पा रहा हूँ। चाय पीता हूँ, अभी भी पीता हूँ, और उस समय भी चाय पीता था जब डायबिटीज़ रिवर्सल की जर्नी शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने चाय भी छोड़ दिया। तो आप देख पाओगे कुछ दिनों में कि चाय मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा। चाय के अलावा क्या पी सकता हो, क्या पीता हूँ, वो आपको दिखेगा आने वाले एपिसोड में। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि कोई भी एपिसोड आप मिस करेंगे तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएंगे। तो देखिए चाय के साथ हम सब बिस्कुट खाते हैं, लेकिन डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए आपको बिस्किट वगैरह, रस्क वगैरह, ये सारे चीज़ बंद करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ तो खाना है, स्नैक्स हमें कुछ ना कुछ चाहिए। तो आज मेरे पास कुछ और स्नैक है, आप देखिए, ये है सनफ्लावर सीड, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, इसमें बहुत सारा विटामिन एंड मिनरल्स मिलेगा और इसमें आपको अच्छा खासा हेल्दी फैट मिलेगा। हेल्दी फैट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए ये सनफ्लावर सीड है, इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया है। कैसे रोस्ट किया है, देखिए मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है और सनफ्लावर सीड अगर शायद आप ऐसे खाएंगे तो आपको शायद टेस्ट ना आए। तो मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा सा स्टीविया लेके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका थोड़ा सा एक यू नो सिरप टाइप बना लिया, स्टीविया का सिरप, और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया और ये खाने में बहुत ही मीठा है, बहुत ही यम्मी है। मैं आपको दिखाता हूँ खा के, टू गुड गाइस। सच बता रहा हूँ कि मैंने सनफ्लावर सीड कभी नहीं खाया अपने लाइफ में, जानता भी नहीं था कि सनफ्लावर सीड खाया भी जाता है, मिलता भी है, इतना न्यूट्रिशियस भी होता है। हम लोग क्या खाते थे, पकोड़े, समोसे, जलेबी, बिस्किट, रस्क, मैगी, जिसके कारण आपको सारे बीमारी होता है। वो सारे चीज़ छोड़ के डायबिटीज़ रिवर्सल के दौरान मैंने सारे हेल्दी चीज़ खाना शुरू कर दिया है और ये एक और चीज़ हेल्दी चीज़ है। सनफ्लावर सीड बहुत ही हेल्दी है, आप गूगल करके देख सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, विटामिन और मिनरल्स, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, हेल्दी फैट मिलता है इसमें। तो इसको ज़रूर ट्राई करिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, अगर आप अमेज़न से ख़रीदना चाहते हैं तो आप अमेज़न से ख़रीद सकते हैं। तो मैं इंजॉय करता हूँ अपना चाय, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से डिनर के समय। तो गाइज अभी 10 बज गया है, मेरा डिनर टाइम हो गया है, आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि अभियुक्त के नानू नानी आए थे तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, काफ़ी टाइम चला गया, उसके बाद थोड़ा सा लेट से भी खाया, फिर सो गया, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। यूजुअली जब मैं डायबिटीज़ रिवर्स कर रहा था उस दौरान मैं 8 बजे कोशिश करता था कि खा लूं, तो आप भी कोशिश करिए कि 8 बजे तक खाना खा ले, लेट मत करिए और 10 बजे तक सोने की कोशिश करिए। अभी आप देख सकते हैं कि मैं 2-3 बजे सोता हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग के लिए ब्लॉग्स बना रहा हूँ ताकि आप लोग सीखे। लेकिन जब डायबिटीज़ रिवर्सल कर रहा था मैं, तब मैं 10-10:30 बजे तक सो जाता था और सुबह 5 बजे उठता था, उसके बाद कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करता था। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि जल्दी सो जाए, जल्दी उठे, नींद अच्छी ले, क्योंकि स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप ठीक तरह से सोएंगे नहीं तब तक आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते। हर चीज़ पे कंसंट्रेट करना ज़रूरी है, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, स्लीप, तो सोना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी मैं उतना सो नहीं पा रहा हूँ ठीक से, लेकिन 1 महीने बाद फिर से सोने की कोशिश करूँगा, ये सीरीज़ ख़त्म हो जाए फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा। तो गाइज मेरा डिनर है रेडी, देख लो आज क्या डिनर है, बहुत ही सिंपल डिनर है। ये 2 रोटी है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं सोया का रोटी लेता हूँ, सोया आटा का रोटी लोगे उसमें थोड़ा सा आलमंड मिला लो, थोड़ा सा कोकोनट पाउडर मिला लो, तो एक बहुत अच्छा
रोटी बन जाता है। इसमें अच्छा खासा प्रोटीन है, इसमें अच्छा खासा फैट है और इसमें अच्छा खासा फाइबर भी है। तो मुझे अलग से और फाइबर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो आज मैंने सलाद नहीं लिया, तो अलग से फाइबर लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अच्छा खासा फाइबर मिल जाएगा। अगर आप सलाद लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आपको कंस्टिपेशन की शिकायत है तो आप ज़रूर फाइबर ज़रूर लेना। और मेरे पास है चिकन, ये 150 ग्राम के आसपास कुक्ड चिकन है। तो चिकन के साथ मैं रोटी खाऊंगा और थोड़ा सा प्याज है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप तो सारे चीज़ नॉन वेज बताते हो। जी हाँ, मैं अपना डायबिटीज़ रिवर्सल जर्नी आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं नॉन वेज खाता था तो इसलिए नॉन वेज दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर आप चिकन नहीं खाते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, तो उसके जगह पर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है पनीर। आप टोफू भी ले सकते हैं या फिर सोयाबीन भी ले सकते हैं। तो पनीर, टोफू या सोयाबीन आप रिप्लेस कर सकते हैं चिकन को या फिश को। तो जो लोग भी वेजिटेरियन है वो चिकन के जगह पे या फिश के जगह पे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पनीर खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपना डिनर इन्जॉय करता हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया चिकन है। और मैं रोज़ नॉनवेज खाता हूँ, खाता था, अब भी खाता हूँ। एक आध बार कभी कभी मिस हो जाता है, जब मिस हो जाता है तो मैं उस दिन वेजिटेरियन बन जाता हूँ। तो वेजिटेरियन के दिन मेरा भी प्रोटीन सोर्स रहता है पनीर या फिर सोयाबीन। डायबिटीज़ रिवर्सल का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं मानता हूँ वो लो कार्ब तो है ही है, लेकिन लो कार्ब के साथ लोग क्या गलती करते हैं, वो प्रोटीन नहीं खाते हैं। जब भी आप प्रोटीन सही मात्रा में नहीं खाओगे तो आपको कभी ना कभी कमज़ोरी ज़रूर हो जाएगा। तो इसलिए हर मील में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर मील में आपको प्रोटीन रखना है। ऐसा नहीं कि रात को प्रोटीन खा लिया या चिकन खा लिया बाकी टाइम में नहीं खाना है, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा आज पूरा दिन में मैंने शुरू में क्या खाया, ब्रेकफास्ट में मैंने खाया अंडा, उसमें प्रोटीन है। फिर दोपहर में चावल के साथ थोड़ा सा फिश खाया, फिर चिकन भी खाया था, तो उसमें भी प्रोटीन मिला और इसमें भी प्रोटीन है, ठीक है। अभी मैं फ़िश नहीं खा रहा हूँ, रात को दिन में मैंने फ़िश खाया था, आपको दिखाया था। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपना डिनर एंजॉय करता हूँ, आप लोग भी एंजॉय करिए इस ब्लॉग को। तो गाइज, मेरा डिनर हो गया है ख़त्म, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को क्योंकि 2 रोटी खाना था। अभी आज देखूँगा कि एडिटिंग कर पाता हूँ कि नहीं, लेकिन डेली ब्लॉग ज़रूर आएगा। आज रात तक अगर एडिटिंग नहीं कर पाया तो सुबह उठ के करूँगा, फिर वो 8 बजे को ब्लॉग आएगा ही आएगा, ये तो 100% है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में इतना ही, मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।